हैप्पी होली एवरीबॉडी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? हम वापस आ चुके हैं, आप मेरे हाथ देख सकते हैं होली की दिशा दी सुरेश जी के द्वारा तो, और मेरे भी हाथ देख सकते हैं, सफेद हो रखे हैं, मैंने भी सफेद रंग से खेली है होली। इनके पहले लाल हुआ करते थे, अब सफेद हो गए, आज सफेद हो चुके हैं। और हैप्पी वुमेन्स डे आल्सो, अगर कोई मना रहा है, वुमेन्स में आरसीबी ने कमाल कर दिया है, तो जो हैप्पी वुमेन्स डे। एक बात है भाई की, अगर मेंस है चाहे वुमेन्स है, हगना तो तय ही है भाई, आरसीबी का डन है। आरसीबी जो है ना वो बनी है इसलिए है कि भाई कोई टीम हारेगी भी तो टीम जीतने लगेगी तो क्या भाई, मतलब भाई सिंपल था, पांच टीमें थी, चार टीमें क्वालिफाई होनी थी सेमीफाइनल के लिए, तो आरसीबी ने कहा कि हम लेंगे ये जिम्मा, सैक्रिफाइस करेंगे, हम बाहर जाएंगे बाकी टीमों के लिए। तो आरसीबी भाई वही कर रही है भाई, जीता मैच हारे हैं टू बी ऑनेस्ट, दो मतलब क्या बोलूं मैं भाई। पर भाई एक बात है कि सब 200-200 मार रहे हैं टीमें, हर टीम ही 200-200 फेल रही है भाई, मतलब कि इन्होंने मतलब स्टैंडर्ड ही बदल दिए हैं, 200 ही से मतलब नीचे ही बात कर रहे हैं। हम मतलब बनाना चाहते थे यार, मतलब वुमेन आईपीएल पे, पर हमने कहा कि भाई इतना 200-200 मार रहे हैं, लौंडे नहीं मार पा रहे, मतलब ये लोग हमारे दरवाजे पे आके खटखटा के गए, क्यों भैया क्यों नहीं बना रहे हो, तब मैंने मतलब मैंने कहा कि हां सो मतलब अगर बनाना पड़ेगा, मैच पे आ जाए तो मोटा मोटा यही है कि 201 पे 7 पे 20 ओवर पे बना पाई जीसी जीजी, और जिसमें से जो सबसे अच्छा स्कोर था वो था डियोल ने। भाई डियोल इंडिया के लिए कभी नहीं मारेगी, मैंने भाई डियोल को कभी इंडिया के लिए मारते हुए भाई मुझे नहीं है याद कि कब उसने मारा है भाई। हर्लिन डियोल के बाद सोफिया डंकली ने 65 रन मारे हैं और उन्होंने 201 खड़े कर दिए थे उससे। और मुझे भाई इसका समझ नहीं आ रहा है एलिस पेरी का कि भाई तुम इतने बड़ी ऑलराउंडर हो, तुम्हारा इतना बड़ा नाम है भाई, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों का तुम भाई एक चीज देखोगे, मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, अपनी टीम के लिए तो भाई ऐसा खेलेंगे ये, मतलब जब आईसीसी अलग ही आग होती है भाई, हाँ अलग ही आग, अपने देश के लिए अलग आग है भाई। और जब आईपीएल लैनिंग मार रही है भाई, लैनिंग मार रही है, हाँ भाई एक मैंने एक प्लेयर देखा लैनिंग भाई कूट रही है, लैनिंग तो सुतैया करे तेरी, 70-80 रन तो मार मार के, वो तो हर जगह कूट रही है भाई, जो हर जगह कूट रही है। तो मतलब मोटा मोटा यही था, और एंड में आते आते कितने 20-22 रन चाहिए थे लास्ट ओवर। मैं बताऊँ ना, मुझे ऋचा घोष, मुझे नफरत होने लगी ऋचा घोष, हाँ भाई हो गई है मुझे भी, मतलब कि भाई क्या यार कुछ कहना नहीं चाहता, अभी तक लड़का होता मैं 10-20 गाली दे चुका होता। आज वुमेन्स डे भी है तो मैं इसलिए, वुमेन्स प्लीज आप मुझे मैसेज करें, ऐसा ना करें ठीक है, वुमेन्स डे है इसलिए मैं कुछ कहना, मतलब स्मृति मंधाना के लिए भी हम ये कह सकते थे, पर वो अब समझ जाओ आप, उनकी अलग तरह की फैन फॉलोइंग है तो उनको कुछ नहीं कह सकते, पर तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे चैनल में वैसे ही फॉलोअर्स वो सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो मैं उनको कहना नहीं चाहूंगा, वो क्वीन है, वो क्वीन बने रहे हैं, वो हारे चाहे जीते हैं, अब बस फोटो डाल दे जैसे आरसीबी ने होली के एक दो फोटो डाले थे उससे फोटो डालते रहे आप, आपको खेलने की जरूरत है नहीं, अगर अच्छी चलो वो मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ जाओ मोटा मोटा यही है। जी जी। और एंड में फॉर्म आए या ना आए उससे कोई मतलब, आप आपको खुली छूट है, आप मतलब कुछ करो हमारे लिए, आप टॉप पे रहोगे। पर ऋचा घोष भाई क्या कर रहे हो भाई, ना तुम्हारी फिटनेस है, ना तुम कैच पकड़ रही हो पीछे, ना तुम भाग पाती हो, ना तुम रन मार पा रही हो। ओके ओके यस यस सही बात कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आया ये, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं पसंद आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं आगे, मतलब मोटा मोटा यही है भाई, दोनों को विन की जरूरत थी आज, जीजी को और आरसीबी को, और आरसीबी ने कहा कि हम बैठे हैं यार, आपको आपकी पहली विन चाहिए टूर्नामेंट में, आरसीबी ने कहा है कि हम एक भी मैच नहीं जीतेंगे, अब तक क्या बात कर रहे हो। आज उनकी तरफ से पहला प्लेयर था जिसने भाई 50 के ऊपर रन मारे, ये नौबत आ गई है, ये ना बता गई ऑन पेपर भाई, इनकी टीम जैसे आरसीबी मेंस की टीम होती है ना, ये होता ही है आरसीबी के साथ, यही होता है कि ऑन पेपर तो भाई ऑन टीम है भाई, हां कि मतलब कोई नजदीक में भी नहीं भाई, मैं डर गया था भाई इनकी टीम ऑन पेपर देखकर, हां मैं भी हराएगा कौन अब ये, कि इनसे हारेगा कौन अब ये है भाई, जो पहली टीम इनसे हारेगी उन पे थू होगी भाई, अब भाई मैं सीधी बात कहता हूं भाई, मतलब और टॉप डिसअपॉइंटेड, टॉप पे मुंबई और डीसी है, और मुझे लगता है फाइनल भी वही खेलेंगे मुंबई और डीसी, मेरे को लगता है हां मुंबई डीसी में ही फाइनल होगा, उनमें ही कोई जीतेगा, और वो भाई दोनों टीमें पेल रही है, वो कुत्ता बनाया उन्होंने हर टीमों का, उनके आसपास भी धागा खोल दे रही है, और अब उन दोनों का मैच है उसमें पता लगेगा कि कौन टॉप पे है, पर फाइनल हमें लगता है वही होगा। तो मोटा मोटा यही है इस मैच बारे में, कुछ और है नहीं, आरसीबी लास्ट है, लास्ट ही रहेगा हमेशा की तरह,
और बाकी चार टीमें हो जाएंगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, मोटा मोटा यही है। होली सेलिब्रेट करने आ गए थे हम लोग आपके लिए, तो बस ये वीडियो होली सेलिब्रेशन के लिए है गाइस। अगर आप ये ना समझे कि हमने आरसीबी की हार की खुशी के लिए वीडियो बनाया, ना 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 ना, ना। हमको मतलब नहीं है आरसीबी से, आरसीबी वैसे भी बाहर जाएगी। और दो मुझे तो लग रहा है मुंबई इंडियंस जीत रही है, मेरे हिसाब से ये वुमेन आईपीएल मुंबई इंडियंस जीत रही है। अगर अगर इस वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं बाय चांस तो वुमेन आईपीएल पे वीडियो भी नहीं बनेगी इसके बाद। गाइस देख लो यार, ये वीडियो एक्सपेरिमेंट है, वीडियो अगर व्यूज आते हैं तो ही वाला। नहीं नहीं व्यूज मुझे लगता है व्यूज नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं वुमेन्स डे आज, सो हैप्पी वुमेन्स डे गर्ल्स, वुमेन्स ठीक है, हैप्पी वुमेन्स डे गाइस, गाइस क्या कह रहा है, हैप्पी वुमेन्स डे गर्ल्स और हैप्पी होली अगेन, मेरी होली देख लीजिए, हैप्पी होली। तो मिलते हैं आपसे कल, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपने परिवार का, ध्यान रखिए, भांग भांग ना पिए, सेफ होली खेले।